जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका जन्म प्रमाण पत्र है उसमें आप कैसे करेक्शन कर सकते हैं, कैसे उसमें आप सुधार कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना नाम कैसे चेंज कर सकते हैं, फादर नेम कैसे चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ अपनी कैसे चेंज कर सकते हैं, या आप अपना एड्रेस जो वो कैसे चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा। जन्म प्रमाण पत्र में आप इनमें से कुछ भी चेंज कर सकते हैं, लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा। वीडियो सिर्फ आपको अंत तक जरूर देखनी है। मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। जन्म प्रमाण पत्र में आप कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं तो कैसे आपको करेक्शन करना है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, ये नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया की मैंने यहाँ पर सर्च कर दी वेबसाइट। ये वेबसाइट आपको गूगल पर सर्च करनी है, उसके बाद यहाँ पर देखिए नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से इंडिया और .gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है कीवर्ड का, तो यहाँ पर आपको कीवर्ड पर सर्च करना है, बर्थ सर्टिफिकेट करेक्शन, यहाँ पर आपको सर्च करना है सिंपल। इस पर मैं आपको जो है सर्च करके दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया है बर्थ सर्टिफिकेट करेक्शन, यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको है सभी स्टेट आपको दिखा देगा, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसी स्टेट पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर सभी स्टेट आपको दी गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट करेक्शन, नेशनल गवर्नमेंट बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, झारखंड, सभी स्टेट का आपको यहाँ पर दिखाएगा। अगर आपका नहीं है तो यहाँ से आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आप अपनी स्टेट चेक कर लेंगे, जो भी स्टेट आप में आप रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने हरियाणा ही सिलेक्ट कर लिया है, तो आप अपनी स्टेट ऐसे ही सिलेक्ट कर लेनी। आपको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए पहला ही ऑप्शन आपको दिया गया है अप्लाई फॉर करेक्शन इन बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड हरियाणा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ओके पर आपको क्लिक करना है। देखिए, जो हरियाणा सरल .gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको विजिट कर दिया जाएगा डायरेक्ट। अब उसके बाद यहाँ पर आपको जो है आपको लॉगिन आईडी, उसके बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड, ये कैप्चा फिलअप करना है और यहाँ से सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपका इस पर पहले से अकाउंट नहीं है तो यहाँ से न्यू यूज़र पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, फ्री में आप अपना अकाउंट बना सकते हैं खुद से। उसके बाद आपको लॉगिन करना है, सबमिट करना है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे ही लॉगिन करेंगे, मैंने लॉगिन कर लिया क्योंकि मेरा अकाउंट इस पे पहले से है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप बना सकते हैं खुद से, आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर सर्विसेज के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ बर्थ जो लिखना है, यहाँ पर बर्थ करके सर्च करना है। आपको मैं करके दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जैसे ही आप बर्थ जो है सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखते हैं, यहाँ पर चार तरह के। यहाँ पर देखिए अप्लीकेशन फॉर करेक्शन इन बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड में, जो आप इसमें करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस ऑप्शन पर। उसके बाद यहाँ से अप्लीकेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ चाइल्ड नेम एंड बर्थ रिकॉर्ड, इसमें भी आप चेंज कर सकते हैं ये यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो करेक्शन का ऑप्शन नीचे, इस नंबर पर आप क्लिक करेंगे, फोर्थ नंबर पर। इस पर क्लिक करने के बाद प्रोसेस टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी फैमिली आईडी आपसे पूछेगा, जो आपको अपनी आपकी जो फैमिली आईडी आई है वो फैमिली आईडी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपनी फैमिली आईडी, क्लिक हियर टू फेच फैमिली डाटा, इस पर आपको क्लिक करना, आपकी फैमिली की डिटेल दिखाएगा, जो फैमिली आईडी में उनकी सभी डिटेल यहाँ पर आपको दिखाएगा। जैसे ही फैमिली आईडी भरेंगे उसके बाद यहाँ से आपकी सभी मेंबर, जितने भी मेंबर होंगे फैमिली आईडी में, उनकी सभी की डिटेल दिखाएगा, उसे सेलेक्ट करेंगे और सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे ही ओटीपी डाल के आप वेरीफाई कर देते हैं, उसके बाद यहाँ से आपको करेक्शन का रिकॉर्ड बता देता है, क्या आप करेक्शन करना चाहते हैं, बर्थ या डेथ। जैसे ही मैंने बर्थ सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद बच्चा जो है आपने अडोप्ट कर रखा है तो यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने अप्लाई किया था उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपका, उसकी डेट और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद कोई भी क्या चेंज करना, नाम चेंज करना, डेट ऑफ बर्थ, नेम, मदर नेम, फादर नेम, एड्रेस, जो भी आपने चेंज करना है, जैसे मैंने यहाँ पर एड्रेस चेंज करना है तो ये आपको ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपका स्टेट, आपकी कंप्लीट डिटेल आपको डालनी है, जैसे कि डोमिसाइल आपका घर है वो जो वो रूरल में है, अर्बन में, शहर में या गाँव में, वो डालना है।
देखिए उसके बाद यहाँ पर आप जो है रूरल और अर्बन डाल सकते हैं, उसके बाद आपकी स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल जो भी है वो डाल देंगे, कमांड हॉस्पिटल, यहाँ पर बर्थ ऑफ इंग्लिश, यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ बर्थ इंग्लिश में डालना है, उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर हिंदी में भी डाल देना है, विलेज टाउन नाम इंग्लिश में और हिंदी में डाल देना, पुलिस स्टेशन डालना है, उसके बाद यहाँ पर आपकी फैमिली आईडी का आपको नंबर दिखाएगा, उसके बाद मेंबर आईडी यहाँ पर आपको दिखाएगा, उसके बाद यहाँ पर अपना नाम डाल देंगे, पर्सनल डिटेल आपकी, उसके बाद यहाँ पर अपनी कंप्लीट डिटेल आपको डाल देनी जो आपकी है, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये जो कैप्चा शो हो रहा है ये यहाँ पर डाल देना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसे आपको अपना जो है बर्थ में या एड्रेस में जो भी आप करेक्शन करना चाहते हैं यहाँ से आप करेक्शन कर सकते हैं, ये आपका प्रोसेस रहेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, अब भी कोई डाउट रहता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।